So yummy, so delicious, looking like a wow. Just looking like a wow, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना? कोई नहीं, आजकल इंटरनेट पे यही वायरल लाइंस चल रही हैं, तो सोचा मेरी डिश को वायरल करने के लिए भी थोड़ा काम आ जाए. तो आज मैंने बनाई है मलाई बन, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. और मुझे यकीन है कि आपको भी ये डिश पसंद आएगी. तो मलाई बन को बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप से थोड़ी सी कम शक्कर. अगर आपको बहुत मीठा खाना पसंद है तो आप पूरा 1 कप ले सकते हो शक्कर को. अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो आप आधी कप भी शक्कर को डाल सकते हो, इतना में हो जाएगा. ये जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ 1 से 2 जन के लिए सफिशिएंट रहेगी. अब हमें फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखना है और शक्कर को कैरमलाइज्ड करना है. देखिए शक्कर में कलर चेंज होने लगा है, परफेक्ट लग रहा है कलर. शक्कर को बहुत ही ध्यान से कैरमलाइज करना है वरना बहुत जल्दी जल जाती है. अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध. शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, जिससे जो शक्कर के जो भी लम्स है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध में. देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है इसका कलर, और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही थी इसकी, कैरमल की. शक्कर में दूध अच्छे से मिक्स होने के बाद जब इसमें उबाल आना शुरू हो तब हम डालेंगे इसमें 2 कप मिल्क पाउडर. मैं चाय के कप को ही मेजरिंग कप की तरह यूज़ कर रही हूँ. अब इस कैरमल के मिक्सचर में मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है और लम्स को भी फ्री करना है. और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए. वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कैरमल के मिक्सचर में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़े से लम्स बाकी हैं लेकिन हम इसको आगे भी अच्छे से मिक्स करते हुए डिज़ोल्व कर लेंगे. अब मैंने डाला और 1 कप दूध. दूध को भी इसमें अच्छे से पकाएंगे. यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बना रही हूँ डिश, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी, बस पोषण कंट्रोल करें. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मलाई. मलाई आप 1 से 2 कप आराम से डाल सकते हो. जितनी ज़्यादा आप मलाई डालोगे उतना ही इसका टेस्ट एनहांस होगा. मलाई डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 से 2 उबाल आने तक थोड़ा सा पका लेंगे, वरना मलाई से घी सेपरेट हो जाने लग जाएगा. बस ये तैयार है मलाई हमारी. इसको रूम टेम्परेचर पर ला के आप एज इट इज़ इसको एंजॉय कर सकते हो, या फिर इसको आप एयरटाइट डब्बे में शिफ्ट कर दीजिए और ओवरनाइट फ्रिज में छोड़ दीजिए. सुबह ही आप ठंडा ठंडा इसको सर्व करोगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा ये. इसको मैंने गुलबर्गा और हैदराबाद में टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे. टिपिकली इसको बन के साथ ही सर्व करते हैं, आप चाहो तो ब्रेड स्लाइसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं. जैसे भी बनाइए, आप बना के ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको. और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.